जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार शिक्षा 2022 की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। शिक्षा संबंधी चर्चा, ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है, इसमें हम वार्षिक राशि फल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर एरीज एजुकेशन कह सकते हैं आप, और इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर एरीज एजुकेशन भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में ढूंढने वाले के लोगों के लिए बता दिया है। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इस राशिफल को देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता नहीं है तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लग्न का पता करें। उसके लिए आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि ना पता चल पाए तो आप राशि के अनुसार या फिर नाम राशि के अनुसार भी अपने भविष्यफल की टोह ले सकते हैं। मेष राशि 2022 एजुकेशन होरोस्कोप या मेष राशि एजुकेशन 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही हम मेष राशि 2022 या 2022 की शिक्षा यानी कि आपके शिक्षा संबंधी परिणामों का भविष्यफल या भविष्य कथन करने वाले हैं। इस वर्ष में शनि आपके दशम और एकादश भाव में रहेंगे, उस पर भी ज़्यादातर समय शनि दशम भाव में बने रहेंगे, मकर राशि में बने रहेंगे। वहाँ से वो आपके चौथे और बारहवें भाव को देखेंगे, फलस्वरूप कभी कभार शिक्षा के मामले में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। लेकिन विदेश में शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए यह अनुकूलता दिला सकता है, शनि का यह गोचर अनुकूलता दिला सकता है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच शनिदेव लाभ भाव में जाएंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे। यहाँ से भी अधिक मेहनत की ज़रूरत रहेगी, यानी मेहनत खूब करनी पड़ेगी। शनिदेव का इशारा यह है कि कड़ी मेहनत करिए और अच्छे परिणाम पाइए। साल की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति ग्रह आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छा संकेत है। इसके बाद वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ से भी गुरु कंपटीशन में अग्रणी बनाने में मदद करेंगे। राहु केतु के गोचर की बात की जाए तो 12 अप्रैल 2022 से पहले यह दूसरे भाव में रहेंगे। शिक्षा के मामले में यहाँ से ये कोई हस्तक्षेप विशेषता नहीं करेंगे। इसके बाद ये आपके पहले भाव में प्रभावी हो जाएंगे और बीच बीच में ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। हालांकि इन सबका मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा, यानी जितने भी गोचर हमने बताए हैं इनका मिलजुल करके प्रभाव होगा। वो अच्छा बुरा एवरेज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। एरीज एजुकेशन होरोस्कोप 2022 यानी कि मेष राशि वालों की शिक्षा कैसी रहेगी। मेष राशि वालों के लिए शिक्षा संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर यह साल अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। यह सारांश है, लेकिन विस्तार से जान लीजिए कब कहां कैसे। मेजर ग्रहों के गोचरों की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, वहीं बुध ग्रह के गोचर को देखें तो सामान्य तौर पर इस वर्ष बुध ग्रह कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सिर्फ 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 के बीच बुध ग्रह मीन राशि में होंगे, यानी नीच के होंगे। उस अवधि में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। दोबारा 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 के बीच जब बुध ग्रह वृश्चिक राशि में होंगे तब परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर दे सकते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का प्रॉमिज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह कि दोनों कारक ग्रहों के द्वारा सामान्य तौर पर 2022 में मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सूर्य का गोचर भी 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच कुछ कमजोर रह सकता है। दोबारा 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 के बीच थोड़ी सी कमजोरी सूर्य के द्वारा देखने को मिल सकती है। बाकी का समय सामान्य तौर पर फेवर करने वाला रह सकता है, यानी कि सामान्य तौर पर 2022 में मेष राशि वालों को शिक्षा संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अथवा कानून की शिक्षा ले रहे हैं,
या फिर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई शिक्षा ले रहे हैं या कि धार्मिक विषय वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि इस साल मेष राशि वाले लोगों को शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की विशेष समस्या कम से कम गोचर के द्वारा नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है, होती है, तो इसमें व्यक्तिगत कुंडली के अंदर कोई कमज़ोर दशा का प्रभाव हो सकता है, किसी कमज़ोर दशा का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। गौर करने वाली दूसरी मुख्य बात स्वास्थ्य से जुड़ी है, क्योंकि इस साल स्वास्थ्य में कभी कभार कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हमने स्वास्थ्य वाले राशिफल में बताया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अतः स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अध्ययन में कुछ व्यवधान रह सकते हैं, यह अलग बात है। लेकिन केवल और केवल शिक्षा वाले मामले को यदि हम सीधे देखें तो, या 2022 शिक्षा की बात करें मेष राशि वाले लोगों के लिए, तो ग्रह गोचर मेष राशि वालों के लिए कोई बड़ी समस्या देते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। सारांश यह कि साल 2022 मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा संबंधी मामलों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएं। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को शिक्षा में कोई व्यवधान आता है तो कौन से उपाय करके आप अपनी शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे। शिक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको मांस, मदिरा व अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप कर रहे हो तो बंद कर दीजिए। संभव हो तो गणेश जी या फिर शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, प्रतिदिन जाएं। लगातार 4 शनिवार को बहते हुए पानी में सूखे हुए जटा वाले नारियल 4-4 की संख्या में बहाएं। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, होना चाहिए, पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर बाय द वे ना हो तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल चल रही हो सकती हैं, और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता को आप जान सकते हैं, और जान करके उनका उपाय करके आप बेहतर शिक्षा का मार्ग ढूंढ सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, उनसे आप मिलिए, फ़ोन करिए या ढूंढिए उनको और अपनी कुंडली चेक करवाइए। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो ऐसा आप कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप हमसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें, ये तो आपकी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं। आप कहीं से भी सलाह ले सकते हैं, आप सुखी रहें, आनंदित रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात गौर से सुनने की है, सुनिए उसको। आपकी राशि से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोस हम बना रहे हैं, उनका लिंक आपको संभवतः डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस वीडियो को देख करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करेंगे। माँ सरस्वती आपको खूब बुद्धि दें, खूब ज्ञान दें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।